हमारे बुजुर्गों को सम्मान नहीं देती है। हमारे बुजुर्ग जब थाना BDO CO ब्लॉक पे जब जाते हैं तो वो प्रतिष्ठा जो 1990 और 95 में मिलता था उनको, जो चाय मिलती थी, थाना प्रभारी चाय पिलाते थे, बड़े प्यार से बात करते थे, अब दूर दूरा कर वो भगा दिए जाते हैं, उनसे उनके युगों को हाट मिलता है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि मैं उन बुजुर्गों को सम्मान दिलाऊंगा चाहे वो किसी भी जमात के हों। दूसरा, नौजवान जो बेरोजगार होकर जो दर दर भटक रहे हैं, उन नौजवानों को प्रेरित करना है रोजगार के लिए और रोजगार की व्यवस्था कराना। एक विधायक, एक प्रतिनिधि होने के नाते एक बाजार को भी अगर हम ठीक नहीं कर पाते हैं तो मेरा प्रतिनिधि होना बेकार है। नमस्कार, आप HS बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद। तरैया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान सुधीर सिंह ने पहले ही कर दिया था और अब चुनाव नजदीक है, कल नॉमिनेशन की तारीख है, तो हम पहुंचे हैं मसरख इनके घर पर और ये जानते हैं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ एजेंडा होगा और कल नॉमिनेशन का क्या नज़ारा होगा। सबसे पहले तैयारी कैसी चल रही है, निर्दलीय मैदान में उतर ही गए आप? देखिए, जिस तरह चुनाव आयुक्त का नॉमिनेशन का जो शेड्यूल बना हुआ उस शेड्यूल के अनुसार ही नॉमिनेशन हम करेंगे और तरैया के लोगों से आशीर्वाद मिलेगा। हम मुझे विश्वास है कि तरैया के लोग, देखिए जनता जो है आशीर्वाद देने पहुँचेगी, वो मेरे बस में नहीं है, वो किसी के बस में नहीं है अगर पब्लिक पहुँचे। लेकिन मैं जो है चुनाव आयोग का शेड्यूल का पूरी तरह से पालन करूँगा और पालन करके अपना नामांकन, मैं 2:30-3 बजे का टाइम मिला है हमको, 2:30 बजे वहाँ पर मढ़ौरा DCLR ऑफिस के मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करूँगा। तो युवाओं में यहाँ पर काफ़ी लोकप्रियता है, क्या रिस्पांस मिल रहा है सबसे? नौजवान तो मेरी पहचान ही है, क्योंकि उनकी पहचान उन्होंने ही मेरी पहचान स्थापित की है पूरे बिहार और UP में। तो मुझे लगता है कि वो हर कदम में मेरे साथ है। मैं उनके साथ जब कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूँ तो निश्चित है कि नौजवान तो मेरे, अब बता दें, जन्मदाता भले मेरे यानी गार्जियन जो है, भले मेरे पिताजी कुछ और हैं, लेकिन जो पहचान जो मिलती है, जो वो पहचान नौजवान के बदौलत ही सारण ही नहीं पूरे बिहार और UP में भी उन लोगों ने पहचान मेरी स्थापित की है, इसलिए तो नौजवान मेरे साथ बिल्कुल है। विरोधियों की बात करें तो राजद और भाजपा के कैंडिडेट को सुधीर सिंह का क्या मैसेज है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि BJP के कैंडिडेट जो हैं वो पूर्व विधायक जनक सिंह जी एक बार विधायक भी रह चुके हैं और मेरे ख्याल से वैसे लोग को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए कि वो अपनी पार्टी और पार्टी की छवि बर्बाद करते हैं। वो लोग धरातल से दूर हैं। अगर वो तरैया में काम किए रहते हैं तो आज तरैया 10वें नंबर पर नहीं रहता। गूगल मैप में छपरा जिला में 10 विधानसभा है, उसमें 10वें नंबर पर तरैया आता है। वो धरातल से विकास का काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चुनाव में आते हैं, बड़े पार्टी से टिकट लेते हैं और अपना काम निकालते हैं। राजद प्रत्याशी को क्या कहेंगे? देखिए, राजद प्रत्याशी मेरे ख्याल से इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल नए हैं और मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में उनका क्रियाकलाप जो है कोई भी काम ऐसा नहीं है कि लोग उनको पसंद करें, लेकिन फिर भी मेरी शुभकामना है उनको। युवा, आप अभी जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या वादा कर रहे हैं उनसे? मैं पहले भी कह चुका हूं कि यानी मैं नौजवानों के लिए रोजगार, कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार कहां से लाएंगे, तो मैं उन लोगों को बस इतना ही बता देना चाहता हूं कि मैं दिल्ली बॉम्बे पढ़ा लिखा लड़का हूं, काफ़ी जान पहचान मेरे पास है पूंजीपति लोग से। मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं बहुत बड़ा रोजगार लेकर आऊँगा, लेकिन छोटे मोटे जो पूंजीपति हैं वो तरैया विधानसभा में अगर 2-4-5 भी रोजगार लगा देते हैं तो मेरे ख्याल से 1,000-1,500-2,000 नौजवानों के लिए रोजगार में जरूर ला सकता हूँ। 10,000 की बात मैंने कभी नहीं की है। तरैया की 5 सबसे बड़ी समस्या बताइए जो आप अगर जीते तो उसका निवारण कर देंगे। सबसे पहले समस्या अफसरशाही जो है चरम पे है। अच्छा। हमारे बुजुर्गों को सम्मान नहीं देती है। अच्छा। हमारे बुजुर्ग जब थाना BDO CO ब्लॉक पे जब जाते हैं तो वो प्रतिष्ठा जो 1990 और 95 में मिलता था उनको, जो चाय मिलती थी, थाना प्रभारी चाय पिलाते थे, बड़े प्यार से बात करते थे, अब दूर दूरा कर वो भगा दिए जाते हैं, उनसे उनके युगों को हाट मिलता है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि मैं उन बुजुर्गों को सम्मान दिलाऊंगा चाहे वो किसी भी जमात के हों। मैं उन बुजुर्गों को सम्मान दिलाऊंगा कि सबसे पहले उनको सम्मान मिलना चाहिए, अफसरशाही सम्मान करे बुजुर्गों को। दूसरा, नौजवान जो बेरोजगार होकर जो दर दर भटक रहे हैं, उन नौजवानों को प्रेरित करना है रोजगार के लिए
और रोजगार की व्यवस्था कराना है। और बाढ़ की समस्या जो है, हमेशा तरैया बाढ़ से जो त्राही त्राही हो जा रहा है, जो प्रलय की स्थिति हो जा रही है, जो भी लोग कमा के कुछ रख रहे हैं वो बाढ़ में बह जा रहा है। तो सबसे पहले उन नहरों की मरम्मत, उन नदियों को मरम्मत, ऐसे तरैया में बहुत ऐसे बांध हैं जो बांध को बांध दिया गया है जिसके चलते गांव डूब जा रहे हैं, जैसे करचोलिया में है, छपिया में है, अगौथर में है, ऐसे बांध हैं जैसे आपको हकारपुर में है, ऐसे जो बांध है कि जो डबरा नदी का बांध है, इस सब बांधों पर विशेष ध्यान देना और जिससे पानी गांव में कम घुसे। हाँ, पानी जो है वो सीधे गंडक नदी में प्रवेश कर जाए, ऐसा कोई रास्ता निकालना, ये इस पर विशेष ध्यान है। और जो राशन कार्ड की शिकायत, जो इंदिरावास की शिकायत, जो आपको वृद्धा पेंशन का शिकायत, जो गरीबों को भुखमरी, सरकार की योजना में दलालों का वर्चस्व, इन सब वर्चस्व को दूर करना है। और तरैया जो धरातल के, जो तरैया बाजार आप देख रहे हैं, वहाँ हमेशा जल जमाव रहता है। एक विधायक, एक प्रतिनिधि होने के नाते एक बाजार को भी अगर हम ठीक नहीं कर पाते हैं तो मेरा प्रतिनिधि होना बेकार है। तो सबसे पहले जल जमाव समाप्त करना, ये सब मेरी प्राथमिकता है। एक आखिरी सवाल कि अगर सुधीर सिंह जीत कर आते हैं किसको समर्थन करेंगे? अगर मैं जीत कर निर्दलीय चुनाव जीत कर आता हूँ तो जिस तरह मैं चौपाल लगा के पूरे तरैया विधानसभा में लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए, किस आधार पर वोट दीजिए, तो अगर मैं विजेता होता हूँ तो वैसे ही चौपाल लगा कर मैं लोगों से ही पूछ कर निर्णय लूँगा कि किस सरकार को समर्थन दिया जाए और किस सरकार को समर्थन नहीं दिया जाए। अगर मेरे लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग निर्दलीय ठीक है, तो मैं वादा करता हूँ कि अगली बार भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। तो आप सुधीर सिंह को सुन रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तरैया से हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ HS न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।